भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो को बूस्ट देने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में कई तरह के तमाम पॉलिसी स्टेप्स उठाए गए थे ताकि हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को सुधारा जा सके और साथ ही में इंडिया को एक काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया जाए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। और जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और साथ ही में इंडिया का एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में काफी तेजी आ जाएगी। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो इंडिया ने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है। इस बार तो इंडिया ने अ वॉपिंग ऑफ 81.72 बिलियन डॉलर्स के FDI रिसीव किए हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2021। पिछले साल से तुलना करें तो ये 10% ज्यादा है। और मजे की बात यह है, इसमें सिंगापुर, US और मॉरिशियस टॉप इन्वेस्टर्स रहे हैं। ये सब खुद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है। वैसे अच्छी बात तो यह है, यहाँ पर कुछ डेटास को भी साझा किए गए हैं। पिछले साल के FDI को देखें तो वो था 74.39 बिलियन डॉलर्स, लेकिन इस बार तो 81 बिलियन डॉलर्स ये हो चुका है। और इसमें से सिंगापुर से 29%, US से 23% और मॉरिशियस से 9% का FDI इनफ्लो रिसीव हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 21। अब इंडस्ट्रीज की बात कर ले तो यहाँ पर तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने तो पूरा टॉप ही कर दिया है इन्वेस्टमेंट चार्ट में। यहाँ पर तो इनका लगभग 44% से भी ज्यादा का शेयर रहा है, फॉलोड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ 13% का शेयर रहा था और सर्विसेज जिसका कुल 8% का शेयर है। और फाइनली अब स्टेट्स की बात करें तो गुजरात ने यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट्स में टॉप किया है। यहाँ पर इन्होंने 37% ऑफ टोटल FDI को अट्रैक्ट किया है अपने स्टेट में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र जिसने 27% अट्रैक्ट किया है, फिर कर्नाटका जिसने 13% अट्रैक्ट किया है। लेकिन गुजरात के कंपैरिजन में दिल्ली यहाँ पर काफी कम ही FDI को अट्रैक्ट कर पाया है, मात्र 5% ऑफ शेयर। सो ओवरऑल देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर 10% FDI इंक्रीज हुआ है और इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हमें धीरे धीरे देखने मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट, फिर हमारी जो एक्सचेंज रेट्स हैं तो उसमें भी थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, फिर कैपिटल फ्लो भी बढ़ता है, ऐसे कई तमाम बेनिफिट्स हैं। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।